और रेड कहीइज गाइज बूट की प्ले को कंटिन्यू करते हैं और आज हम डे फाइव के अंदर सीखने वाले हैं बूट बेसिकली ब्रेक पॉइंट्स इन बूट तो ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं बूट के अंदर देखिए इस बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चलें अगर और यहाँ पे हम जाएं लेआउट के अंदर जाएं तो मुझे मिलता है ब्रेक पॉइंट ठीक है इस पर मैं जाता हूँ देखिए इस पर मैं जाता हूँ और इस पर जाके मुझे यहाँ पे ब्रेक पॉइंट देखिए ब्रेक पॉइंट आर द ट्रिगर इन बूट स्टेप फॉर हाउ यू आर यो आर ले आउट रिस्पॉन्स चेंजे अक्रॉस डिवाइस यू और व्यू व्यू पोर्ट साइज अब गाइज देखिए बूट स्टेप अभी ये क्या है अभी ये लार्ज डिवाइस के अंदर आपका बूट स्टेप ओपन है ठीक है बट अगर मैं इसको इंस्पेक्ट पर इंस्पेक्ट पर क्लिक करके और इसको शॉर्ट डिवाइस के अंदर देखने का ट्राई करूँ तो गाइज आप देख पाओगे कि इसका चेंज बेसिकली कलर वगैरह सब कुछ है ना जो इसकी साइज़ थी वो स्मॉल हो चुकी है और इस डिवाइस के अकॉर्डिंगली उसने अपना सेप बना लिया है है ना तो यही होता है गाइज आपका ब्रेक पॉइंट्स और वो सब सारे चीज़ ब्रेक पॉइंट्स के थ्रू हो रहे हैं देखिए सबसे पहले अगर मैं इसको अगेन करता हूँ तो आपको यहाँ पे मेनू आइकन दिख रहे होते हैं ठीक है ये सारे नेविगेशन बार के अंदर बट इंस्पेक्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलता है मुझे यहाँ पर एक बेसिकली ये मेनू मिलता है और जिसके अंदर मुझे ये सारी चीज़ें मिलती हैं है ना तो वो सारी चीज़ें कैसे हो रही होती हैं वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं गाइज आपके ब्रेक पॉइंट्स के अकॉर्डिंग तो ब्रेक पॉइंट से ही होता है कोर कंसेप्ट के अंदर देखें ब्रेक पॉइंट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिस्पॉन्सिव डिजाइन यूज देम टू कंट्रोल वैन योर लेआउट कैन बी अडेप्टेड एट ए पर्टिकुलर व्यू पोर्ट और डिवाइस अभी मैंने आपको जस्ट बताया वही है अब देखिए देखिएगा इसके अंदर कुछ अवेलेबल ब्रेक पॉइंट्स लिखे गए हैं तो ये हमारे बूट के अंदर कुछ ब्रेक पॉइंट्स होते हैं ठीक है जैसे एक्स्ट्रा स्मॉल ठीक है और एक्स्ट्रा स्मॉल की जो वैल्यू है वो बेसिकली एक्स्ट्रा स्मॉल है वो छोटा होता है इस वैल्यू से फाइव सेवन सिक्स पिक्सल से वो स्मॉल होता है ठीक है नाउ स्मॉल एस एम एस स्मॉल एस एम स्मॉल एस एम का मतलब कि एस एम का एस एम एक क्लास होती है इसका यूज़ करते हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव सेवन पिक्सल एस एम होता है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होता है फाइव सेवन पिक्सल से ठीक है मतलब ये बड़ा होता है मीडियम एम डी एम डी का मतलब होता है सेवन सिक्स एट पिक्सल ग्रेटर देन है फिर इक्वल टू इस वैल्यू से एम डी बड़ा होता है तो ये कुछ ब्रेक पॉइंट्स होते हैं ठीक है सो गाइज हम डे फाइव बेसिकली हमारी जो फाइल है उसके अंदर चलते हैं और बेसिकली स्टार्टर टेम्पलेट मैंने जस्ट कॉपी कर रखा है उसका तो उसके अंदर थोड़ा काम करते हैं तो बेसिकली ये आपका स्टार्टर टेम्पलेट है आपको यहाँ मिल जाता है मैंने प्रवेश वाली वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ें बताई थी ठीक है तो ठीक है गाइज अब हमको करना क्या है यहाँ पे आके सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ देखिए यहाँ पे आपको करना है बिटवी वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड परफेक्टली आपको करना क्या देखिए मैंने कंटेनर और ग्रिड सिस्टम के बारे में आपको बताया था कंटेनर क्या होता है कंटेनर होता है गाइज इसकी वेट्थ होती है वो प्रॉपरली क्या होती है फिक्स होती है ठीक है लेकिन कंटेनर एक और होता है जिसको हम बोलते हैं कंटेनर फ्लूड वो कहाँ पे गया और राइट फ्लूड कंटेनर्स ये क्या होते हैं कि इसकी जो भी बेसिकली विर्थ होगी वो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग होगी आपका जो भी मोनिटर है उसकी स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग उसकी विर्थ हो जाएगी चाहे आपका फ़ोन डिवाइस हो कंप्यूटर हो कोई भी हो ठीक है यही है इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता लेकिन फिर भी हम थोड़ा इसके अंदर देखते हैं यहाँ पर देखिए तो गाय मैं करूँगा क्या सबसे पहले एक काम करूँगा यहाँ पे आके देखिए यहाँ पे मुझे आना है मैं एक सबसे पहले कंटेनर क्रिएट करूँगा तो डोट कंटेनर स्पेलिंग परफेक्ट लिखनी है कंटेनर ऑल राइट मैंने कंटेनर क्रिएट किया अब इसके अंदर जब भी आप गाइज कंटेनर आप ग्रिड सिस्टम का यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको इसके ग्रिड सिस्टम के अंदर देखना है कि आपको रो लिखना ही पड़ेगा ठीक है अब आप देखोगे कि कंटेनर लिखा है देन रो लिखना है रो लिखना पड़ेगा क्योंकि रो के अंदर हम कॉलम को डिवाइड कर सकते हैं ठीक है थीका? पहले हम डायरेक्टली कॉलम नहीं लिख सकते हैं तो कहा मैं यहाँ पर जाऊँगा डोट रो इसके अंदर वन सेकेंड स्पेलिंग रोंग है तो रो रो लिखना है ठीक है अब देखिए यहाँ पे मुझे आना है और इसके अंदर आके एक मुझे क्रिएट करना बेसिकली कॉल ठीक है तो मैं एक कॉल एस एम इक्वल एस एमए वन परफेक्टली मैं ये क्रिएट करता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है कैच इसका मैं अगर मतलब बताऊँ आपको तो मैं एक बेसिकली इसके अंदर क्लास भी डिफाइन कर दूँगा जो कि हमारे सी एल और एक मैं सी एन टी के अंदर भी क्लास डिफाइन कर दूँगा सी एन टी परफेक्टली और इसके अंदर भी बेसिकली आर डब्ल्यू ठीक है मैंने तीन क्लास यहाँ पर डिफाइन कर दी है ठीक है तो एक काम करते हैं हेड के अंदर स्टाइल करते हैं थोड़ी स्टाइल और इसके अंदर डोट सी एन टी के अंदर जाके सबसे पहले इसका जो भी विर्थ होगा प्रॉपरली वो विर्थ मुझे करना क्या है सबसे पहले विर्थ मुझे यहाँ पे करना है विर्थ तो होगा मुझे करना ही नहीं है क्योंकि कंटेनर का वर्थ तो आ, फिक्स होता है तो मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना है और इसकी मुझे हाइट को फिक्स कर देना है बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ रेड ऑल राइट और एक बार के लिए मैं इसकी हाइट को कर देता हूँ सेवेंटी पिक्सल परफेक्टली अगर इतना करते हैं सेव करते हैं इस कोड को कॉपी पात करते हैं ऑल राइट right, और बेसिकली डे फाइव ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है तो मैं इसको यहाँ पे देख पा रहे होगे आप ठीक है मैं काम करता हूँ मार्जिन भी थोड़ा इसका खिसका लेता हूँ मार्जिन यहाँ पर मैं ट्वेंटी पिक्स टॉप टू बॉटम ट्वेंटी पिक्सल लेफ्ट टू राइट जीरो पिक्सल मैं यहाँ पर प्रॉपरली कर लेता हूँ ऑलराइट गाइस अब आप नोटिस ओ राइट ओल राइट ओ राइट ओ राइट मुझे यहाँ पर करना क्या पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ मार्जिन मुझे इसका करना पड़ेगा बेसिकली मार्जिन टॉप से मुझे इसका कितना करना पड़ेगा गाइज आप कितना भी कर सकते हो ट्वेंटी पिक्सल मैं इसको कर दूंगा ठीक है परफेक्टली सेव करते हैं तो गाइज बेसिकली टॉप से स्पेस ले रखा है वो ठीक है अब देखिए मुझे करना क्या है सबसे पहले अब देखिए मैं काम करूँगा अगर इसकी हाइट में वन सेवेंटी पिक्सल कर दूँ तो आपको ये वाली चीज़ यहाँ पर मिलेगी ठीक है अब देखिए अगर गाइज मैं कंटेनर बेसिकली कंटेनर के अंदर मैंने रो क्रिएट किया है इस आर डब्ल्यू को भी मैं यही कुछ प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करूँ कंट्रोल सी करूँ और यहाँ पर जाके मैं आर डब्ल्यू नाम से एक क्लास है इसको मैं इसका कलर है वो चेंज करूँगा मैं कुछ अलग टाइप से ठीक है और हाइट मैं इसकी कर दूँगा गाइज प्रॉपर्ली एक बार के लिए वन पिक्सल ऑलरेडी ठीक है और मार्जिन की अभी इसके अंदर कोई नीड नहीं है ठीक है तो आपको एक रो मिल रहा है कंटेनर के जस्ट अंदर ठीक है अब मुझे यहाँ पे कॉलम डिफाइन कर ले हैं लेकिन गाइज सी को भी मैं थोड़ा प्रॉपर्टी डिफाइन करूँ तो डॉट सी ठीक है और इसके अंदर जाऊँ मैं और इसका ओनली बॉर्डर डिफाइन कर दूँ मैं सिंपल वन पिक्सल सो लीड और ट्रिपल एफ मीन्स प्योरली वाइट परफेक्टली इसको मैं रिफ्रेश करूँ अभी तो गाइज आपको यहाँ पर एक डब्बा मिल रहा है आप नोटिस कर पा रहे हो ठीक है तो वो एक बॉक्स मिल रहा है वो बॉक्स मुझे बेसिकली uh, कॉलम वो एक कॉलम है रो के अंदर वो एक कॉलम है ऐसे कॉलम साहब आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर आप टवेल्व है एक रो के अंदर वोट के अंदर क्रिएट कर सकते हो टवेल्व कॉलम ठीक है तो बेसिकली करते हैं ये मेरा एक ठीक है और मैं यहाँ पे वन टू ऐसे कर देता हूँ ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट परफेक्टली तो इसका मैं वैल्यू चेंज कर दिया मुझे जल्दी से मैं कर देता हूँ टू थ्री फोर फाइफ सिक्स सेवन एट नाइन टेन और इलेवन और बेसिकली एक मैंने शायद एक्स्ट्रा कर दिया ट्वेल्व है चलो कोई दिक्कत नहीं है इसको हटा देते हैं ठीक है तो गाइस आप नोटिस कर पा रहे होंगे मुझे यहाँ पे बारह कॉलम मिल रहे हैं ठीक है मतलब एक रो के अंदर आप मिनिमम कितने कॉलम डिफाइन कर सकते हो ओनली बारह कॉलम डिफाइन कर सकते हो परफेक्टली गाइस कोई दिक्कत नहीं है बट मोमेंट मैं एक काम करूँ अगर इस चीज़ को आपको मैंने अभी बताया आ, मैं आपको दिखाऊं ब्रेक पॉइंट्स का दिखाऊं अगर मैं आपको तो बेसिकली हम क्या यूज़ कर पा रहे हैं अभी हम हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली एस एम ठीक है एस एम यूज़ कर रहे हैं मीन्स हम एस एम ही तो यूज़ कर रहे हैं ब्रेक पॉइंट्स ये तो ब्रेक पॉइंट्स है आपका एस एम तो एस एम क्या होता है कि एस एम की वैल्यू फाइव सेवन सिक्स पिक्सल से क्या होती है बड़ी होती है या फिर इक्वल इसकी हो सकती है इसका मतलब ये है तो कह चलो एक काम करते हैं इसको हम इंस्पेक्ट पे क्लिक करके देखते हैं कि हमको ये फ़ोन डिवाइस के अंदर कैसा दिखता है इसको मैं रिफ्रेश करूँगा अभी तो गाइज आप नोटिस कर पा रहे होगे एक काम करता हूँ एक साइट है हमारे पास और वो साइट हमको क्या बोलती है देखिए हम करते हैं यहाँ पर आके इसकी जो भी हाइट होगी मैं ऑटो कर सकता हूँ यहाँ पर प्रॉपरली इसकी जो भी हाइट होगी ना वो हाइट में ऑटो कर सकता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा हाइट में इसकी ऑटो कर देता हूँ और गाइज इसकी भी हाइट में ऑटो ही कर देता हूँ ठीक है इसकी भी हाइट क्या कर देता हूँ गाइज ऑटो ही कर देता हूँ परफेक्टली पैडिंग वगैरह सेट कर लेंगे इसके अंदर तो गाइज आप नोटिस कर पा रहे हो कि मुझे बारह कॉलम मिल रहे हैं और इसके अंदर भी ये परफेक्टली है ठीक है यही चाहिए था अब मैं काम करूँ अगर यहाँ पे आके आपको मैं बताऊँ एक वेबसाइट है जिससे हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट कितनी रिस्पॉन्सिव है तो उसका हम यहाँ पर ओपन करते हैं उसको ठीक है सो so गाइज वो वेबसाइट ये है कि रिस्पॉन्सिव बेसिकली ये वाला रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन चेकर डॉट कॉम एक वेबसाइट है यहाँ पर मैं आ चुका हूँ ठीक है अब गई ये क्या है देखिए इस पर मैं मेरा यू आर लेकिन गई आपको यू कौन सा डालना है आप ये वाला यू आर मत डालना कॉपी पात करके और ये वाला यू आर मत डालना उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको अपने सर्वर को बेसिकली आप यूएस कोड का यूज़ कर रहे हो ठीक है तो आपको यहाँ पे जाना है इसके अंदर एक्सटेंशन एंड कंट्रोल सिफ्ट इसके अंदर जाना है और इसके अंदर जाके आपको बेसिकली सर्च करना है लाइव सर्वर ठीक है लाइव सर्वर ठीक है आप ये लाइव सर्वर ये वाला करते हो तो इसको आपको क्या करना है इंस्टॉल कर लेना है ये वाला स्नीपैड्स को ठीक है इसको आपने इंस्टॉल करना है जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो अभी ये जस्ट टेन सेकेंड्स के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा प्रॉपरली ठीक है और ये प्रॉपरली यहाँ पर इंस्टॉलिंग हो रहा है अभी ठीक है और ये इंस्टॉल हो जाएगा अब जैसे आप इंस्टॉल करते हो तो इसके अंदर आपको एक यहाँ पे क्या ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे इस साइड के अंदर लाइव सर्वर ठीक है ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा शायद वो आई होप ये हो चुका है अभी हो रहा है डोंट वरी ये हुआ नहीं है तो इसको इंस्टॉलिंग होने देते हैं प्रॉपरली औरड गाइज right ये इंस्टॉल हो चुका है ठीक है अब इसको इंस्टॉल को आपको कैंसिल कर देना है अब यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा गो लाइव का ठीक है आप बेसिकली इसको हमारी जो हम ये जो पाथ यूज़ कर रहे हैं इसको आप रिमूव कर दो इसकी कोई नीड नहीं है अब यहाँ पे आपको गोल आई पे ओपन करना है क्लिक करना है ये स्टार्टिंग हो रहा है और ये आपका सर्वर पे जाके पचपन सौ पर आपका रिलोड हो जाएगा ठीक है आपको यहाँ पे इजीली दिखा भी रहा है तो गैसे आप नोटिस कर पा रहे हो इसके अंदर ओपन हुआ डोंट वरी हम इसको फिर हम पाथ से एग्जीक्यूट कर लेंगे ये वाला ये वाला कोड है ना इसको आपको कंप्लीटली कॉपी करना है वन सेकेंड इसको आपको कंट्रोल ए करना है ठीक है और कंट्रोल सी करना है इतना ना करना है इसको आप हटा दो क्योंकि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वो कर नहीं रखा है इसलिए तो परफेक्टली अब इसके अंदर आना है और इसके अंदर इन टैब के अंदर ये वाली फील्ड है ना हमको ओपन कर लेनी है इसके अंदर पेस्ट करते हैं एंटर करते हैं तो गाइज़ आपको वो प्रॉपरली आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा अब गाइज़ ये जो आपने पाथ अभी इसके अंदर पेस्ट किया अब यही पाथ आपको क्या करना है इस वेबसाइट के अंदर रिस्पॉन्सिव चेक डिज़ाइन चेक डॉट कॉम इसके अंदर आपको डालना है और पेस्ट करना है ठीक है आपने डाला गो पे आपको क्लिक करना है गो पे क्लिक किया तो इसके सामने मेरे पास जो भी मेरी जो ऐसम ब्रेक पॉइंट्स है उसका जो पूरा डेटा है वो वहाँ पर ओपन हो जाता है तो गाइज आप नोटिस कर पा रहे हो बेसिकली ये कुछ सेंट इनिवेलिड रिस्पॉन्सिव बोल रहा है कि इसके अंदर कुछ एनी ऑप्शन uh, है नहीं अभी इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं ठीक है सो आई होप ये हो जाए सो so, गाई इसके अंदर कुछ एरर आ रही है टेक्निकल अब हम क्या करते हैं चलो इसको हम एक बार हटाते हैं यहाँ से और इस पे जाते हैं हमारे इस इसके अंदर जाते हैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं तो कहीं आप देख पाओगे इसके अंदर बेसिकली विथ कितना है अभी मैं बेसिकली मोटो जी फोर फोन यूज कर रहा हूँ इसके अंदर मैं पे क्लिक करता हूँ तो आप नोटिस कर पा रहे हो देखिए इसका ब्रेक पॉइंट था हम एस एम यूज कर रहे हैं एस एम का मतलब क्या है फाइव सेवन सिक्स पिक्सल फाइव सेवन सिक्स पिक्सल ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू जो हमारा एस वन है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू और फाइव सेवन सिक्स पिक्सल के इस वैल्यू के अकॉर्डिंग तो इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू से एस एम बड़ा होना चाहिए ठीक है तो अभी क्या है अभी फ़ाइव सेवन सिक्स पिक्सल्स छोटा है ओबेसली तो मैं काम करूँ अगर यहाँ पर आके इसकी वैल्यू है वो फाइव सेवन सेवन कर दूँ ठीक है फाइव सेवन नाइन कर दूँ मैं यहाँ पर आके और इसको मैं यहाँ थोड़ा इनक्रीज़ करूँ तो इसकी आप फिर से नोटिस कर पा रहे होगे देखिए अभी अभी कि वन जीरो ट्वेंटी फ़ोर है अब इसको मैं ऐसे स्क्रॉल करूँ तो इसकी फिर इंक्रीज होती जाएगी हमको जो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा था वो यहाँ पे दिख रहा है बट अगर इसको फ़ोन डिवाइस के अंदर लेके चलते हैं तो थोड़ा और छोटा अभी देख सकते हैं ये वाली वेड है।, है, है, है।, है, है ठीक है अब और छोटा करते हैं इसको और छोटा करते हैं और छोटा करते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं अभी और इसको अगेन करते हैं ठीक है आप देख सकते गाइज अभी भी वो उतना ही है ठीक है मतलब वो टेबलेट्स के अंदर आपको कुछ स्टेप्स दिखाई देगा ठीक है इसका मतलब ये है बेसिकली अगर हम जाते हैं थोड़ा और इसको स्मॉल करने और राइट right, अब आप नोटिस कर पा रहे होगे फाइव सेवन सिक्स पिक्सल है और हमारा क्या था फाइव सेवन सिक्स पिक्सल है ठीक है बट इस पे मैं जैसे थोड़ा सा और छोटा करूँगा ना तो आपको यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हो आपको वो अलग ग्रिड सिस्टम के अंदर कन्वर्ट uh, हो जाएगा देख सकते हैं पहले आपको पूरा बेसिकली uh, एक रो के अंदर अलग बारह कॉलम मिल मिल रहे थे आपको अभी एक रो ही मिल चुका है उसको बेसिकली रो भी बोल सकते हो कॉलम भी बोल सकते हो तो एक ग्रिड सिस्टम बन चुका है वो ठीक है अगर बात करें एम की एम मतलब मीडियम डिवाइसेस मतलब मीडियम डिवाइस के अंदर आपकी वेबसाइट कैसे दिखाई देगी तो इसके अंदर मैं इसका वैल्यू है बेसिकली एम ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन पिक्सल ठीक है तो मैं काम करूँ वी एस कोड के अंदर जाऊँ और बेसिकली इसको मैं हटा दूँ इसको भी मैं हटा दूँ और एस एम की जगह मैं कंट्रोल डी करूँ कंट्रोल डी करके इसकी सारों की जगह मैं कर दूँ एम डी तो एम डी का गाइज आपको पता ही है और बेसिकली जो भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं वो बेसिकली एम डी और लार्ज का यूज़ करते हैं वो क्यों देखिए मैं आपको बता दूँ एम डी है एम डी सेवन सिक्सटी एट पिक्सल ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन सिक्सटी एट पिक्सल ठीक है यहाँ पे हम आ, करते हैं देखिए अभी ठीक है लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लोर करूँ यहाँ पे मजा हूँ अभी भी गाइज आप नोटिस कर पा रहे होगे ऐसा में इतना नहीं था ऐसम था गाइज हमारा इससे वो कम ही था ठीक है बट मैं एक काम करूँ अगर इससे ऊपर लेके जाऊँ इस चीज़ को कितने से सेवन सिक्सटी एट पिक्सल से मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ तो अभी तो नहीं हुआ ये चीज़ अभी तो सिक्स फाइव नाइन ही है यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे ठीक है अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ और थोड़ा और ऊपर लेके जाऊँ यहाँ पे इसको ठीक है थोड़ा और इसको खिसकाते हैं इस साइड में सो गाइज़ यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि इसको हम इसको हमको कैंसिल करना पड़ेगा अभी तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा खिसका लेते हैं इस साइड के अंदर वन सेकेंड सो गाइज मैं इसको इस साइड से खिसकाता हूँ अभी देखिए सेवन सिक्सटी एट पिक्सल पर जाना है हमको अभी इसकी विड्थ कितनी हुई है वन सेकेंड अभी भी नहीं हुई है थोड़ा और इसको प्रॉपरली ऐसे करते हैं ठीक अब देखिए अभी सेवन वन वन है लेकिन अभी भी देखिए गाइज प्रॉपर वो वैसा ही है अब ऑल राइड वन सेकेंड अब सिक्स सेवन सिक्सटी एट पिक्सल पर जाना है अब देख सकते हैं गाइज़ सेवन सिक्सटी एट पिक्सल है यहाँ पे और उसके कंडीशन भी यही है कि ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू मतलब या तो बराबर होना चाहिए या फिर उससे बड़ा होना चाहिए तो बराबर है मतलब एक कंडीशन ट्री होती है एग्जीक्यूट हो जाता है तो गाइज़ आप देख सकते हैं प्रॉपरली वो उसके सेप के अंदर आ चुका है परफेक्टली गाइज और वैसे ही आप इन सारे का यूज कर सकते हैं लार्ज एक्सेल एक्स एक्सेल तो बेसिकली आपको लार्ज का और एम डी का यह यूज़ ज़्यादा करना है क्योंकि ये हर डिवाइसेस के अंदर प्रॉपरली सेट हो ही जाते हैं ठीक है तो गाइज ये थे आपके कुछ ब्रेक पॉइंट्स और आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी और बहुत ही अगर आपको ब्रेक पॉइंट्स को समझ में आ गया तो आप एक अच्छी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो तो गाइज आज इस वीडियो लिए इतना ही थैंक यू वाई सो मच टेक केयर बाय बाय